हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब एकदम बढ़िया हो गए। अभी देखो हम पहुंच चुके हैं, आए हैं दांडी। महात्मा गांधी की समाधि है यहाँ पे और हम यहाँ पे आज घूमने आए हैं। तो चलो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे दरिया भी है तो हम दरिया पे भी जाने वाले हैं। पहले तो हम जाने वाले हैं महात्मा गांधी की समाधि के वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं आगे। तो ये हम आ चुके हैं, अंदर की साइड जाना है हमको पार्किंग लगाने। तो चलो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने हमारी। कहाँ जगह मिलता है जो हमारे हीरो को पहले ही पसंद आ गया है। तो ये आ चुके हैं हम, चलो आगे मिलते हैं अभी। तो अभी हम आ चुके हैं दांडी पे, आप देख सकते हो सब। यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। अब हम आगे जाते हैं टिकट लेने, और टिकट लेके बाद फिर मिलते हैं आपको। आगे दिखाते हैं टिकट का क्या प्राइस है, कैसे हमें टिकट लेना है और कहाँ कहाँ हम घूमने जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गांधी जी के 3 बंदर भी बैठे हुए हैं। चलो मिलते हैं टिकट लेने के बाद। ये है टिकट काउंटर और ये हमने ले लिया है टिकट, 2 लोग और हमारे छोटे हीरो का आधा। 3 लोग का हमने यहाँ पे टिकट लिया है तो 50 रुपये का है, मतलब 2 फुल का 20-20 रुपये और हाफ का 10 रुपये, टोटल 50 रुपये है। और कार पार्किंग का 20 रुपये, टोटल हमारा 70 रुपये अभी यहाँ एक्सपेंस हुआ है। और देखते हैं आगे क्या क्या एक्सपेंस होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं दांडी के अंदर, आपको दिखाने वाले हैं अंदर क्या क्या है ना। तो चलो अभी तो फिलहाल हम वेलकम गेट पे हैं, तो वेलकम हो रहा है हमारा। और ये भाई को देखो, ये भाई को देखो मज़े कर रहा है पीछे पीछे। ये है एंट्रेंस गांधी जी को एक तरीके का, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए गांधी जी के 3 बंदर स्वागत में आपके खड़े हैं। यहाँ से है एंट्री, हम जाते हैं एंट्री पे। एंट्री देखते हुए कौन बैठा हुआ है, ये भाई आते ही साथ थक गया है 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद। बैठो छू कर रहा है, 4 सीढ़ी में ही इसका काम तमाम हो गया है। तो ये रहा एंट्रेंस, देख सकते हो आप लोग दांडी। तो हम एक राउंड वॉक कर लेते हैं फटफट, ये चलते आगे। देख सकते हो आप लोग अभी हम जा रहे हैं बाहर की साइड, अंदर का प्रार्थना गृह वगैरह घूम लिया हमने। अभी आपको अब हम आ गए हैं बाहर की साइड एकदम। बोलो ठीक है। अब आगे देखेंगे हम कि यहाँ झूले हैं यहाँ पे। हाँ हम बच्चों के झूले हैं जिसमें हमारा यूवी भाई जाएगा कूड़ी मारने। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बहुत देखो हीरो है ना हमारा हीरो, जो चीज बड़ा करेंगे ना वही चीज वो पहले करेंगे। हाँ देखो पापा बच्चे का काम कर रहे हैं रखने का, ठीक है। और हम आज हमारे हीरो की जगह पे आज हम बोल रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। थोड़ा हमें भी मौका मिलना चाहिए, थोड़ी देर बाद हम हमारी शक्ल भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो यूवी देखो ये बन गया है अब, क्योंकि ये बहुत लंबा है तो हम थोड़ा सा बैठ नहीं सकते, इसके लिए हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं, देखते देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ का है ना बहुत ही प्रख्यात है, तो उसके लिए हमें आपको भी दिखाना है सब तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा हाँ चलना ज़रूरी है, तो सो हम क्या बोल रहे हैं तू भरवा जाए क्या जावाना, इसको गार्डन में जाना है, पर इतनी धूप में कौन सा गार्डन है बता तो जरा, हाँ कौन सा गार्डन है इतनी धूप में, हाँ क्या बोलती बंद हो गई, तो चलो हम जा रहे हैं दूसरी साइड। तो अभी हमारा यहाँ का घूमने का हो गया, अब हम गाड़ी लेके जाने वाले हैं आगे। ओए गाड़ी लेने का है, कहाँ जा रही है बेटा, साइड में रहे गाड़ी लेने आओ। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी लाने, और गाड़ी लेके अब जाएंगे आगे, ये नया बना है गांधी जी का। तो अभी हम अरे गाड़ी ले लेने शू दिक्कत है, तो गाड़ी को हो गया है ना, अब चलो पद यात्रा पे हम अब जा रहे हैं पद यात्रा पे। ये नया बना है हमारे मैडम का ऐसा कहना है, मतलब इन लोग का भी कहना है। हम जा रहे हैं आगे की तरफ पद यात्रा करते हुए, है ना, और मिलते हैं आगे। ये भाई भागे भागे जा रहा है, इसको भागने में बहुत मज़ा आ रहा है। अरे भाई क्यों भाई इतना क्यों कूद रहे हो तुम, ये देखो भागे भी इतनी गर्मी में भाग भाग के जा रहा है, बस कर अभी कितना भागेगा। हाँ आगे चलिए, यहाँ से जाने का तो चलो अभी यहाँ से हम जाएंगे। ये व्हीलचेयर का भी यहाँ फैसिलिटीज़ है, किसी को बुज़ुर्ग के लिए आप घुमाने आ रहे हो तो उनके लिए व्हीलचेयर अवेलेबल है, और किसी के पैर में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए, जैसे कि इसको प्रॉब्लम हो रही है लगता है, इसको भी व्हीलचेयर पे बिठाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे गांधी जी का मूर्ति लगाया हुआ है। हाँ तो अंदर जाने के लिए थोड़ी है बेटा, वो गांधी जी की पूजा करने के लिए। चलो आगे आओ, अब हम चले हैं आगे। नमक का कानून, हाँ नमक का कानून जो बना था वो यहीं से बना था शायद, हमको भी इतना नहीं पता है, मुझे पता है। और ये लगा है बोर्ड दांडी पद यात्रा, ये है अंदर का लुक। यहाँ पे देखो कुछ नजदीकी बना हुआ है, जिसको देख के हमारे भाई बहुत एक्साइटमेंट हो गए। ये समुंदर से कुछ कनेक्ट है, ये का एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखता है ये एंट्रेंस। ये देखो इसको घूमने को नहीं मिल पा रहा है, हमारा बीबू इसको परेशान कर दिया है, इसको आराम से बैठना है और इसको घूमना है। इनकी बन गई है चटनी दोनों की, ये देखो अभी अभी भाई का स्माइल देखो ना, टूना ना, नहीं है ना। इसका हो गया है पोपट, अभी देखो पोपट हो गया है इसका, बीबू इसको घूमने नहीं दे रहा है। तो यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है हमारा दांडी यात्रा, हाँ बताएंगे अपने चले। आप देख सकते हो गांधी जी का परिचय है यहाँ पे, अपन आगे जाते भी देखते हो। चलो थोड़ा लंबा होने वाला है ये वीडियो हमारा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पेंटिंग्स हैं गांधी जी के। तो व्यू तो काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं सारे फोटोज़ का एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग शॉर्ट्स में देख सको उसे। चलो मिलते हैं आगे। महात्मा गांधी जी की बहुत सारी प्रतिमाएँ बनाई गई हैं, पेंटिंग्स बनाए गए हैं, देख सकते हो आप लोग, पूरा पत्थर से डिज़ाइन किया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है यार देखने में। बहुत सारे हैं, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही एक नंबर लग रहा है, दिखाता हूँ आप लोग को।
शायद आप लोग को क्लियर ना दिख रहा हो, और बहुत बढ़िया बनाया हुआ है झाड़ के नीचे सब प्रैक्टिकली काम करते हुए। और ये देखो सोलर पैनल का, सोलर पैनल से पूरा यहाँ पे एनर्जी डेवलप होता है और उसी का यूज़ होता है यहाँ पे सब काम करने के लिए, पावर सप्लाई के लिए, लाइट के लिए, जो भी यहाँ पे काम होते हैं सब इसी का पावर सप्लाई यूज़ होता है, सोलर पैनल से बनता है। तो चलो आगे मिलते हैं। ये एक नाव के साथ, गांधी जी के साथ, सब लोग उनके साथ जाते हुए कहीं पे क्या है यात्रा, काफ़ी बढ़िया भी हुई। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो भाई, ये कितना मस्त व्यू लग रहा है गांधी जी का, काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है एकदम ऊपर तक, और अंदर ये छोटा सा सुंदर सा बढ़िया सा एक तालाब है ना, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे घूमने के लिए। पर दोपहर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम दोपहर में आए हैं और बज रहे हैं अभी एक, और थोड़ा हमें मुश्किल हो रहा है घूमने में। पर मेरी सलाह माने तो आप लोग यहाँ पे आएँ तो या तो शाम के टाइम ही आएँ, वो बढ़िया है, शाम के टाइम सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि धूप नहीं रहती है तभी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और लाइटिंग भी रहेगी तो और भी अच्छा लगेगा। चलो आगे आपको दिखाते हैं यात्रा। ये देखो भाई, दांडी यात्रा पे जब जाने का टाइम था, गांधी जी का दांडी यात्रा का ये सीन है ना, साथ उनके सैकड़ों आदमी उनके साथ जाते हुए। अगर आप नाइट में आएंगे तो ये लाइटिंग है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है नाइट में, क्योंकि हम नाइट का व्यू तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें जाना है, तो ये डे का व्यू ही काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के इतने सारे सबके साथ, तो हम भी इनके साथ थोड़ा बीच में शामिल हो जाते हैं इस तरीके से घूमते हुए इन सबके साथ, मस्त लग रहा है एकदम। बाहर से तो हमको बाहर बोल दिया तो हम बाहर आ गए, आई जा बाहर आई जा, और बढ़िया बनाया है एकदम मस्त है। बस यही है कि धूप में बहुत तकलीफ़ होता है, शाम के टाइम आए तो वो सबसे बढ़िया है। और ये रहा गांधी जी का मूर्ति, आप देख सकते हो बहुत काफ़ी बिग बना हुआ है, अभी इसको फ्रंट से लुक दिखाते हैं आपको, गांधी जी का फुल लुक जो बहुत ही ब्राड लग रहा है, देख सकते हो ऊपर तक इनके बनाए हुए, रात में ये लाइट चलता है तो सीधा लाइट यहाँ पे आता है जो बहुत बढ़िया लगता है, एक नंबर। और ये यहाँ पे एक तालाब जो ठंडक का थोड़ा एहसास कराता है, पर फिलहाल तो ये बेअसर है क्योंकि गर्मी इतना पड़ रही है कि बोल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो फिलहाल ये लग रहा है, सोलर पैनल से बनाए हुए फूल टाइप के आकार में ये बनाया हुआ है जो सोलर एनर्जी बनाता है, और इसी से यहाँ के सारे लाइट के काम यूज़ में आते हैं लाइट के लिए, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से हम घूम रहे हैं यहाँ, देख सकते हो आप लोग, गर्मी बहुत हो रहा है पर मज़ा आ रहा है थोड़ा सा देखने में, यहाँ पे बहुत अच्छा है। और एक ये हमारे हीरो पीछे पीछे घूम रहे हैं हमारे, है ना यूवी, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कितना मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रही है। ये काफ़ी अच्छा है व्यूज़ यहाँ पे, मज़ा आ रहा है हमको घूमने में। पर बस यही है भाई, अगर यहाँ पे कोई घूमने आना चाहता है ना तो वो शाम के टाइम ही आए, वो बेस्ट है, क्योंकि दिन में तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, जैसे कि हम गर्मी से बहुत परेशान हैं। तो चलो आगे दिखाते हैं आपको, सोलर पैनल से बना हुआ पूरा ट्री आकार में सोलर पैनल बनाए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया है। गर्मी बहुत हो रही है भाई, गर्मी से हम हो गए हैं पूरी तरीके से परेशान, पर गर्मी के बीच ये झाड़ और ये घास काफ़ी सुंदर लग रहा है,
तो चलो मिलते हैं फ्रंट गेट पे, क्योंकि हमारे छोटे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। राउंड कंप्लीट करके अभी हम पहुंच गए हैं बाहर की साइड, और यहाँ से अभी निकलने वाले हैं अपने घर की साइड गाड़ी लेके। म्यूजियम आ रहा है, यहाँ पे हमारी बच्चा पार्टी बैठी है, उससे मिलेंगे और उनको लेके निकलेंगे अब घर की तरफ। टाइम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने लायक जो परिचय करके है वो दिखाते हैं आपको। चलो ये देखिए, ये गांधी जी का परिचय है पूरा जो यहाँ पे कंटिन्यू चालू रहता है। तो चलो मिलते हैं अब आगे।